हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रीमियर प्रो सीसी में टैक्स को कैसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा प्रीमियर प्रो का कॉम्पिटिशन। चलिए मैं आपको इसमें टैक्स का यूज़ करना बता देती हूँ, कैसे यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे ये रहा टैक्स टूल। तो ये टैक्स टूल मैंने लिया। आपको करना क्या है, बस यहाँ पे लिखना है जो भी आपको मतलब यहाँ पे लिखना हो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इंदौर मध्य प्रदेश। तो ये मैंने लिख दिया इंदौर मध्य प्रदेश। तो अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना होगा इफेक्ट्स कंट्रोल में। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये रहा फॉन्ट। जो भी आपको फॉन्ट यूज़ करना है आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये देखिए, ये इतने सारे फॉन्ट्स हैं इसमें अच्छे। यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अभी जो कलर है इसका फिल वो ऑलरेडी वाइट है। मैं अगर इसको रेड कर देती हूँ तो देखिए, इसको सिलेक्ट करके मैं रेड कर देती हूँ। ये देखिए, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखिए, आपको जस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कलर चूज़ करना है। आप यहाँ से भी इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रोक है, अगर आपको स्ट्रोक देना हो। चलिए पहले तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ये देखिए, स्ट्रोक मैंने दे दिया है। यहाँ से आप स्ट्रोक की साइज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद है शैडो, आप चाहें तो इसमें शैडो दे सकते हैं। ये शैडो की ऑपोसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं सेम स्ट्रोक की तरह, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए, इसका तो फ़िलहाल ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कोई ख़ास अंतर नहीं आ रहा है। ये देखिए, बस zigzag होने लग रहा है। तो फिलहाल इनके कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। आपको जाना है यहाँ नीचे, तो पोजीशन सेट कर सकते हैं कहाँ रखना है, ये रोटेट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे एनिमेशन भी दे सकते हैं, इसका एंकर पॉइंट को भी आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसका एंकर पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कहाँ है। ये देखिए, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअली भी सेट कर सकते हैं एंकर पॉइंट पे। अगर आप इसको सेंटर में रख देंगे तो आप यहाँ से इसको सेंटर से स्केल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन भी बता देती हूँ, उसमें एनिमेशन देना। तो ये देखिए, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर की फ्रेम इंसर्ट की और अभी मेरा साइज़ रख देती हूँ 100 रख देती हूँ। अभी स्टार्टिंग में मेरा साइज़ 100 रख देती हूँ। और ये देखिए, ये की फ्रेम लग गई है, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देती हूँ मैं और यहाँ पे इसका साइज़ कर देती हूँ 0। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप चाहें तो इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, तो ये धीरे धीरे दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा एनिमेशन दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें सेम थिंग रोटेशन भी इस तरीके से दे सकते हैं, और आप ऐसे टेक्स्ट को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।